आला और उदल दो ऐसे पात्र हैं जिनकी बहादुरी के किस्से लोगों के मन में पीढ़ियों से इस तरह से बस गए हैं कि वे आज भी सजीव लगते हैं। आला के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह माँ शारदा के परम भक्त हैं और उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त है। वही महोबा में उदल चौक में उदल के सम्मान में आज भी लोग घोड़े पर सवार होकर नहीं गुजरते। आला उदल 12वीं शताब्दी के वह किरदार हैं जिनके नाम 52 युद्धों की अमर कहानी दर्ज है। यूपी में ऐतिहासिक कजली मेले की शुरुआत हो गई है। विजय उत्सव के नाम से मशहूर ये पर्व आला और उदल के शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम का अनूठा उदाहरण है। इस मेले का आयोजन पिछले करीब 840 सालों से हो रहा है। इसमें हाथी, ऊंट और नाचते हुए घोड़ों के साथ झांकियां निकाली जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटती है। ये भीड़ केवल यूपी के जिलों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी यहाँ लोग आते हैं। बात अगर इसकी खासियत की करें तो यहाँ निकलने वाली शोभा यात्रा लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं यूपी के वीर योद्धा आला उदल और कजली मेले का इतिहास क्या है। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में दो ऐसे भाइयों का जन्म हुआ था जो बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। पराक्रमी होने के साथ साथ इनको शास्त्रों का ज्ञान भी था। इनके पराक्रम को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार बताया जाता था। इनकी गाथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्से जैसे बुंदेलखंड, कन्नौज और कानपुर आदि तक में मशहूर है। यही नहीं, बुंदेली इतिहास में तो आल्हा उदल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। दोनों ही परमार वंश के सामंत थे। उनके बारे में सबसे अहम जानकारी कालिंजर के राजा परमार के दरबार में कवि जगनिक द्वारा लिखे गए आल्हा खंड से मिलती है। इनकी काव्य रचना में आल्हा और उदल के नाम 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। इनमें उन्होंने आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यूपी के महोबा जिले में कीरत सागर के तट पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले की धमक दूर दूर तक है। आला उदल की वीरता और पराक्रम से जुड़े इस कजली मेले को इस बार 7 दिन से बढ़ाकर 9 दिन का कर दिया गया है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि सन 1181 में जब राजा परमाल देव ने अपने दोनों सेनापतियों आल्हा और उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया था, तब दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने महोबा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध महोबा के कीरत सागर मैदान में ही हुआ था जिसमें आल्हा उदल की तलवार के धार के आगे वह टिक ना सके। युद्ध के कारण बुंदेलखंड की बेटियां रक्षाबंधन के दूसरे दिन कजली दफन कर सकी थी और युद्ध के कारण पूरे इलाके में रक्षाबंधन दूसरे दिन मनाया गया था जो कि परंपरा के रूप में आज भी जारी है। इस मेले में अच्छी भीड़ जुटने के कारण दूर दराज के दुकानदार एक सप्ताह पहले ही यहां आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। यहां उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। यहां बुंदेली कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होता है। इनमें आल्हा उदल की वीरता का गायन होता है। खास बात यह है कि सदियों बाद भी राजकुमारी चंद्रावल के डोले को लूटने की आशंका के चलते सुरक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 12 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है। अब आला उदल से जुड़ा अगर कोई किस्सा आपको मालूम हो तो हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।